अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। ईद के बाद फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं, तो आज आपके साथ एक न्यू वेल्डिंग मशीन का रिव्यू शेयर करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, शॉर्ट्स के अंदर बताया था और टिकटॉक अकाउंट पे भी बताया था कि कुछ नए टूल्स आए हैं, उनका रिव्यू शेयर करूंगा। तो आप सबसे पहले वो देख रहे हैं एक्सकॉर्ड कंपनी की वेल्डिंग मशीन। तो आज जिस वेल्डिंग मशीन का मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो एक्सकॉर्ड कंपनी की वेल्डिंग मशीन है, लेकिन ये वाला मॉडल चेंज है, वो वाला मॉडल चेंज है, उसका बाद में रिव्यू शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है, टाइम निकालता हूं आप लोगों के लिए स्पेशल, आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज देता हूं। तो आप वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो एक्सकॉर्ड वेल्डिंग मशीन के मुतल्लिक है। सबसे पहले इस ब्रांड के बारे में आपको बता दूं कि ये बेसिकली जर्मनी का ब्रांड है, लेकिन बाय मेड चाइना होता है। अब जितने भी ब्रांड है वो सब चाइना से बन के आते हैं, ठीक है। एक्सकॉर्ड बहुत अच्छा ब्रांड है, रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका आप कोई भी टूल लेते हैं, चाहे इसका एयर कंप्रेसर लेते हैं, वेल्डिंग मशीन लेते हैं, ग्राइंडर लेते हैं, वो अच्छी क्वालिटी में है। तो आज जिस मशीन का रिव्यू शेयर करने लगा हूँ वो उसका जो MMA 305 उसका बेयर है, 305 एमएल की मशीन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, क्वांटिटी वेट वगैरह सारा मेड इन चाइना, ठीक है। इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको एक्सेसरी क्या क्या मिलती है और इसके साथ जो है ना सामान क्या क्या मिलता है। तो डिब्बे को ओपन कर लेते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मशीन डिब्बा ओपन कर लिया, ठीक है। एक्सकॉर्ड बहुत अच्छा ब्रांड है, इसकी थोड़ी मशीनें जो है ना वो थोड़ी महंगी होंगी, लेकिन ये कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले इसके साथ आपको इसकी ये जो है ना इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है एक्सकॉर्ड कंपनी की, उसके बाद आपको ये स्क्रीन मिलती है इसके साथ, ठीक है। आप देखते जाएं जो जो एक्सेसरी है इसके साथ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये इसके साथ एक होल्डर की लीड है, ठीक है, ये होल्डर की लीड है। उसके अलावा इसके साथ आपको क्या मिलता है जी, इसके अंदर इसका आई थिंक वो होगा शीशा होगा ब्लैक कलर का, लेकिन इसको मैं खोल के देखूंगा। मैंने भी अभी तक ओपन नहीं किया, जैसे माल आया था वैसे ही भरा हुआ था ईद के बाद जो है ना। अब इसे मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो इसको भी चेक करेंगे इसके अंदर है क्या। उसके बाद ये इसके साथ अर्थ की लीड है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करेंगे ना तो कोई ना कोई चीज़ मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये मशीन डिब्बे से बाहर निकाल ली है, ठीक है। सबसे पहले आप मशीन को देखते हैं अच्छे से, ब्लैक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है। बॉडी इसकी ब्लैक है, इसके जो कवर लगा हुआ है वो ग्रीन कलर का लगा हुआ है। ये इसका फ्रंट व्यू है, सामने एक्सकॉर्ड का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, एक्सकॉर्ड कंपनी का। उसके बाद यहाँ पे दो उन्होंने इंडिकेटर दिए हैं, स्टॉप और रेस्ट के लिए, और ये है इलेक्ट्रिकल सोर्स के लिए, ठीक है। और डीसी इन्वर्टर टेक प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है, ये प्रीमियम क्वालिटी के अंदर है, ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, ठीक है। यानी कि क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी से मुराद कि ये अच्छी चीज़ है, जो आप मार्केट में देखते हैं ना ये उनसे डिफरेंट है, ये कोई ब्रांडेड चीज़ है, ठीक है। सिंगल वॉल्यूम मिलता है आपको, उसकी जो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है वो ऐसे किया हुआ है कि यहाँ पे 150, फिर 260 और फिर 305, ठीक है। तो ये 12 नंबर 10 नंबर आर्ट के लिए, 8 नंबर आर्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इसका जो वज़न है मैं आपको बता देता हूँ, उसका वज़न होगा तकरीबन 4 से 5 किलो होगा इस मशीन का वज़न, ठीक है। तो ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड इसकी आप चेक कर लें, पीछे इसके फ़ैन लगा होगा, ठीक है, 220 वोल्ट है, और ये इसकी केबल है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जो मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी है ना, आपको मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जो भी कोई भी चीज़ होती है ना उसकी सबसे पहले पैकिंग देखा करें, इसके बाद फिर जो उसके साथ एक्सेसरी होती है उसको देखा करें, फिर मशीन को देखा करें किस तरह से डिज़ाइन किया होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है एक्सकॉर्ड, हमें तो पता है ना, जो लोग नए बंदे हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सकॉर्ड कैसा ब्रांड है, या आपने पहले नहीं यूज़ किया होगा, तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। IGBT टेक्नोलॉजी है, ठीक है, IGBT ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर है। आप उसकी पैकिंग देखें, उसकी शेप देखें, उसका डिज़ाइन देखें, आपको सारा समझ आ जाएगा कि वाकई ये कोई ब्रांड की चीज़ है, ठीक है। तो कंप्लीट एक्सेसरी मिलती है, होल्डर अर्थ की, और ये हैंडल, और ये इसका ब्रश, और ये इसके अंदर शीशा है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने इसको अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है ताकि ये टूट ना जाए। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें पैकिंग से ही मशीन कैसी क्वालिटी होगी। बाकी एक मशीन चलाएंगे, चला के आपको रिजल्ट चेक करवाते हैं इस मशीन का, ये मशीन है कैसी है, चलने में कैसी है, ठीक है। आप रिजल्ट देखेंगे तभी आपको इसकी क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मशीन का रिजल्ट चेक करते हैं, तो चले आए दोस्तों, मशीन ऑन कर लिया, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, 309 पे इस टाइम करंट शो कर रहा है पूरा,
ठीक है, माइनस वाली अर्थ की है, प्लस वाली होल्डर की है, ठीक है। उसके अलावा ये डीसी इन्वर्टर होता है, इसलिए इसको मैंने आम बिजली पे चला लिया। साइज आप चेक कर लें, छोटा मिनी साइज है, लेकिन अब आपको जब राड चला के चेक करवाऊंगा ना, तब आपको उसकी क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 नंबर राड है, ये 10 नंबर राड है, ये 8 नंबर राड है, तीनों राड बारी बारी चेक करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले 12 नंबर का रिजल्ट चेक करते हैं, ये आप इसका करंट चेक कर सकते हैं 12 नंबर का, ठीक है। ये आपके सामने मशीन चला रहा हूँ, ये देखें, ये इसका 12 नंबर पे करंट आप चेक कर लें, बहुत हाई करंट है। मैं थोड़ा करंट को कम कर लेता हूँ, ठीक है, 103 पे ले आया हूँ इसे। ये देखिए, ये 103 पे आ गई, ये ब्रेक काम करने के लिए, ठीक है। मशीन का हल्के करंट पे ही पता चलता है कि मशीन कैसी चलेगी, ठीक है। जितना हल्का करंट होगा, अगर मशीन ठीक चलेगी, तो इसका मतलब कि आपकी मशीन जो है ना अच्छी क्वालिटी में है। ये देखें, ये ब्रेक से ब्रेक अगर आपने टांका लगाना है, ये देखें, ठीक है, ये देखें ना आपके सामने है ये। तो अगर आप ब्रेक काम के लिए मशीन ले रहे हैं, छोटी ब्रेक चादर होती है या ब्रेक पाइप होता है उसको वेल्ड करने के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब आपको 12 नंबर का समझ आ गया होगा राड, अब आपको 10 नंबर राड चेक करवाता हूँ। ये 10 नंबर राड है, ठीक है, ये 10 नंबर राड लगा लिया। पीछे करंट जो है ना 69 पे है, थोड़ा सा इसे तेज कर लेते हैं, 100 पे ले जाते हैं इसे, 108 पे आ गया, ठीक है। तो अब आपको 10 नंबर का रिजल्ट चेक करवाता हूँ, ये आप 10 नंबर का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सिर्फ केरे पे रुकता है, वैसे रुक नहीं रहा मशीन ना, क्योंकि ये इसके ऊपर बार बार चला के चेक करवा दिया होगा ना। ये आप चेक कर सकते हैं, ये 100 के ऊपर 10 नंबर आर चला रहा हूँ, ठीक है, 100 के ऊपर 10 नंबर आर चला रहा हूँ। ये देखें इसकी क्वालिटी आप चेक करें। अब थोड़ा सा करंट फुल पे ले जाते हैं एक बार, ये मैंने फुल पे कर लिया इसे, ठीक है। ये देखें 10 नंबर आर, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त चला रहा है, ये आपके सामने है। ये 10 नंबर आ रहा है, ठीक है, ये देखें मशीन की क्वालिटी। साइज चेक करें सबसे पहले, उसके बाद उसकी क्वालिटी देखें, ठीक है। आपने मार्केट में देखी होंगी मशीनें बड़े बड़े साइज की, लेकिन 10 नंबर आठ नहीं चलाती, ये छोटी सी मशीन 10 नंबर आठ चला रही है। तो अगर आप पैसे खर्चेंगे ना, तो चीज़ भी आपको अच्छी मिलेगी। थोड़ा करंट कम कर लेते हैं, 176 पे ले हम ऐसे, ठीक है, 10 नंबर आर चलाते हैं जी 176 पे। ये देखें, ये ब्रीक से ब्रीक काम करने के लिए, ठीक है। अब बारी है 8 नंबर आर की, अब 8 नंबर भी चेक करवाता हूँ आपको। इस तरह कोई भी नहीं आपको चला के चेक करवाएगा राड बारी बारी, आपको 8 नंबर आर का भी रिजल्ट चेक करवा देता हूँ। ये 8 नंबर आर लगा लिया, पीछे करंट को फुल कर लेते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर देखते हैं जी, 8 नंबर पे क्या करती है मशीन। ये जी 8 नंबर आर चला रही है, ठीक है। मशीन का साइज चेक कर लें और ये इसके काम भी देख लें आप, ठीक है। ये 8 नंबर आर है, लेयर लगा के दिखाता हूँ आपको 8 नंबर से। ये आप चेक करें, ठीक है, ये 8 नंबर आर्ट से वेल्ड कर रहा हूँ। ये देखिए 8 नंबर आर्ट, ये लेयर लगाता हूँ दोबारा से यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर पता चले। ये देखें जी, ये जी 8 नंबर आर्ट,
ये आपको क्वालिटी चेक करवाने का मकसद यही होता है कि आपको मशीन का पता चल सके कि मशीन है कैसी, अगर आप पैसे खर्च रहे हैं तो आपको चीज़ कैसी मिलेगी। ठीक है, तो ये आठ नंबर आ रहा है, 400 पेयर की मशीन चलाती है रेगुलर। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको छोटी मशीन पे चला के चेक करवा रहा हूँ। ये जो ब्रांडेड चीज़ें होती है ना, उनका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप पैसे खर्चते हैं ना तो आपको चीज़ जो है ना वो धोखा नहीं देगी कभी भी। ये देखें, ठीक है दोस्तों, तो ये मशीन है, इसकी क्वालिटी आपको चेक करवा दी है। ठीक है, तो दोस्तों रिजल्ट आप लोगों ने चेक कर लिया, आपको मैंने चला के चेक करवा दिया। ठीक है, ताकि आपको क्वालिटी का आइडिया हो जाए। तो ये प्रेस कोड अब आपको पता चल गया, लोकल ब्रांड नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हैवी ड्यूटी मशीन है। ठीक है, अगर आप घर के अपने पर्सनल यूज़ के लिए अच्छी मशीन देख रहे हैं ना, कोई ब्रांडेड देख रहे हैं, कोई जापानी मशीन देख रहे हैं, तो अब मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वाली मशीन ले लें, कम्प्लीट एसेसरी के साथ है इसकी, मेड चाइना। अब आपको पता है हर चीज़ चाइना से बन के आती है, लेकिन वो बात वही पर आ जाती है कि जैसे पैसे खर्चेंगे वैसे चीज़ मिलेगी। अब ये मशीन जो है, ये मेरे हिसाब से तो जापानी मशीनों को भी पीछे काट गई है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है, क्योंकि इसका रेट जो है ना जापानी मशीनों से कम होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी जापानी मशीन जितनी होगी। ठीक है, तो एक्सकोड बहुत अच्छा ब्रांड है, अब आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप में से कोई भी अगर कोई मशीन ये खरीदना चाहता है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा, इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, किसी भी शहर में मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद मालूमात लेने के लिए भी मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और बाकियों के साथ भी शेयर करें। तो इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका दूसरा मॉडल का रिव्यू शेयर करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो प्राइस होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पर जाकर इसकी प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।